अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बर्फ़ी, जो कि बहुत ही आसान और लजीज रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप मिल्क पाउडर, 1 कप दूध, 1/2 कप चीनी, 1/2 कप कुकिंग ऑयल या घी भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले लिया है। इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, इसके साथ आपने दूध डाल देना है, साथ ही आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। और आपने ये ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो मीडियम होनी चाहिए, आपने ना स्लो रखनी है ना आपने हाई रखनी है, और मुसलसल आपने हिलाते रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसमें सूखा दूध ऐड कर दूंगी और आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है और फ्लेम आपने लाइट ही रखनी है। जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि चमचा आपने मुसलसल हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। जी व्यूवर्स, तो आपने ये देखना है कि जब ये इस शेप में आ जाए तो आपने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है अपने जायके के मुताबिक। तो अब हमारी बर्फ़ी तैयार है। आप इसे अब किसी भी खुले बर्तन या ट्रे में बटर पेपर रख के आप इसे निकाल लें। अब आपको गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। जी व्यूवर्स, तो अब बर्फ़ी तैयार है और तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं हमने इसको रखा हुआ था। अब इसको मैं काट लूँगी और प्लेट में प्लेट आउट कर लूँ। फाइनली मैंने इसे प्लेट आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.